प्रदेश सरकार माफियाओं पर हर तरीके से नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर में माफिया अजीत शाही की संपत्ति पर सोमवार को बुलडोजर चला है। कैंट थाना क्षेत्र के फल मंडी स्थित बेतिहाता में उनके मैरिज हाउस पर बुलडोजर चला है। नगर निगम की जमीन को माफिया अजीत शाही ने कब्जा कर रखा था। माफिया द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन उसकी पत्नी के नाम थी। कार्रवाई आज की गई? आज यहाँ गोरखपुर के बीचों बीच सिटी के बीचों बीच बेतिहाता में करीबन 25 डिसमिल जमीन जो नगर निगम की जमीन थी, जिसको यहाँ पे माफिया अजीत शाही की पत्नी मिथिलेश सिंह उन्होंने कब्जा कर रखा था। उस संपत्ति को प्रॉपर्टी को आज नगर निगम ने अब वापस अपने कब्जे में लिया है, मुक्त करवाया है माफिया के चंगुल से। यह करीबन 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कई वर्षों से इस पर कब्जा कर रखा था। इनकी तमाम अन्य प्रॉपर्टीज है उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है और उसके साथ उन पर भी आगे की विधिक कार्रवाई जो है सुनिश्चित। माफिया अजीत शाही ने अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में सरेंडर किया था। शाहपुर पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बेतिहाता स्थित इस मैरिज हाउस को माफिया अजीत शाही चला रहा था। नगर निगम की वेश कीमती 30 डिसमिल जमीन पर माफिया का कब्जा था, लेकिन प्रशासन द्वारा अजीत शाही पर कसे जा रहे शिकंजे के क्रम में सोमवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यहां बने 2 कमरे, शौचालय, रसोई और स्नान घर को तोड़कर जमींदोज कर दिया। वहीं मैरिज हाउस की बाउंड्री को तोड़कर प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। किस तरह की कार्रवाई? नहीं, ये 77 मंजुमला नंबर है जो खेवट में नगर महापालिका के नाम से दर्ज है, उसी पर 2 लोगों का अवैध अतिक्रमण पाया गया था, मिथिलेश सिंह और चुवानाथ सिंह का, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितनी संपत्ति लगभग रही है? ये लगभग 1250 वर्ग मीटर। आपको बता दें कि माफिया अजीत शाही का नाम जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। पीडब्ल्यूडी गोलीकांड में माफिया अजीत शाही का नाम सुर्खियों में आया था। रेलवे कॉरपोरेट बैंक में हुए विवाद के मामले में 12 मई को समझौता करने आए माफिया अजीत शाही और अन्य लोगों पर बैंक के सहायक सचिव धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बैंक के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तभी से शाहपुर पुलिस माफिया अजीत को गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर और देवरिया में छापेमारी कर रही थी। 18 मई को माफिया अजीत शाही ने पुलिस को चकमा देते हुए गोरखपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं प्रशासन ने उसके मैरिज हाउस को जमींदोज किया है। अब पुलिस की नजर उसके अतिक्रमण वाले मकान के हिस्से पर पड़ी है। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।